हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अभी मैंने कुछ दिन पहले केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए गए थे हम लोग। हमने वहाँ की यात्रा करी, यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो मेरी यात्रा कैसी रही तो मैं आपसे वो शेयर करूँगी डे के हिसाब से। फर्स्ट डे हमने क्या किया, सेकेंड डे हमने क्या किया। तो ये जो वीडियो है ये डे वन की है। हम यहाँ घर से निकले और हम ये बिजनौर के रास्ते से होते हुए सबसे पहले हम जो पहुँचे थे वो पहुँचे हम कोटद्वार। हम कोटद्वार रुके। कोटद्वार में बहुत ही अच्छा है। कोटद्वार आप जाओगे तो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, उस रास्ते से हम गए थे। तो हम वहाँ कोटद्वार गए, वहाँ हम मंदिर में रुके। एक वो मंदिर का नाम है सिद्धि बली हनुमान जी टेम्पल है। वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी सीढ़ियाँ आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, मंदिर में जब एंटर करोगे तो आपको पानी में रोली और चंदन मिलेगा। उसमें पैर धो के आप मंदिर में अंदर जाओगे, दर्शन करोगे हनुमान जी के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक मंदिर है। आसपास पहाड़ है, पीछे नदी बह रही है। बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है, मतलब वहाँ पे शांति मिल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था हमें वहाँ पे। मंदिर में हमने दर्शन किए, आसपास का व्यू देखा, वहाँ से पूरा हमें कोटद्वार दिख रहा था। काफ़ी ऊंचाई पर है क्योंकि मंदिर, और वहाँ से हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम जो है उसके जो दूसरे और उसमें मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, काली देवी का मंदिर, वहाँ गए, वहाँ से दर्शन किए, बाहर आए और हम अपनी जो दूसरी डेस्टिनेशन है उसके लिए जो है स्टार्ट करी हमने अपनी यात्रा फिर से। वो यात्रा जब कोटद्वार के दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी। अब हमें जाना था क्योंकि केदारनाथ जी का रास्ता बहुत दूर है, इतनी दूर ड्राइव नहीं होती है। तो हम रुकते रुकते गए और सारे व्यूज़ देखते गए। बहुत अच्छे व्यू हमें रास्ते में देखने को मिले, बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट किया। अच्छा, श्रीनगर जाते हुए कई जगह पे हमें रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब मिला। पहाड़ थोड़े से जो है टूटे हुए थे, कहीं पे सड़क पे काम चल रहा था। फाइनली हम रुके श्रीनगर में। एक होटल था सम्राट होटल, सम्राट रिसॉर्ट। एक्चुअली ये श्रीनगर क्रॉस करके है, वहाँ हमें ये रिसॉर्ट मिला। वहाँ पे जो है हमने रात को स्टे किया। हमारा रूम हमें जो मिला वो सच में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब अंडरग्राउंड वो एक रिसॉर्ट है, रूम जो है वो हमें नीचे मिला। तो काफ़ी अच्छा हमारा रूम था, क्लीन था, काफ़ी अच्छा हमें फील हो रहा था। ठंड बहुत लगने लगी थी अभी जब हम सहारनपुर से चले, तो ठंडी इतनी नहीं थी पर धीरे धीरे हमें ठंडा महसूस होने लगा था। रात का व्यू वहाँ बहुत सुंदर था। रिसॉर्ट के बाहर ये ऐसे एक बना रखा था उन्होंने, जहाँ पे वॉक कर रहे थे हम सब लोग, मस्ती कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो हमारा ये डे वन केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी का यहीं पे ख़त्म हुआ। रिसॉर्ट पे मस्ती करने के बाद हम सो गए अपने रूम में जाकर। नेक्स्ट वीडियो के लिए डे टू ज़रूर